नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें एक बार फिर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। देश की जनता ने प्रचंड बहुमत से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाई है। अब की बार देखा गया था कि इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष ने मुसलमानों के वोट पाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था, जिसका नतीजा सामने आ रहा है कि 2014 की तुलना में अब की बार मुसलमान सांसदों की संख्या बढ़ गई है। 2014 से इस बार के लोकसभा चुनाव की तुलना की जाए तो 4 मुसलमान ज्यादा अब की बार सांसद बने हैं। 2014 में कुल 23 मुसलमान सांसद बने थे और अब की बार 27 मुसलमान सांसद जाएंगे। भले ही उत्तर प्रदेश में गठबंधन सफल ना हो पाया हो, लेकिन सपा बसपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश से 6 मुसलमान सांसद को जिताने में कामयाब रहा है। 2014 में यूपी से एक भी मुसलमान सांसद नहीं बन पाया था, जबकि 2019 के नतीजों में सपा के आजम खान रामपुर से, बसपा के हाजी फजल रहमान सहारनपुर से, डॉक्टर एस टी हसन मुरादाबाद से, बसपा से ही अफजल अंसारी गाजीपुर से, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क संभल बसपा से और कुंवर दानिश अली अमरोहा से जीतने में कामयाब रहे हैं। इनके अलावा हैदराबाद से AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बड़े पैमाने पर जीत हासिल की है। तो वहीं AIMIM की तरफ से महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खड़े हुए इम्तियाज जलील ने भी जीत हासिल की है। इनके अलावा मोहम्मद फैजल भी लक्षद्वीप से जीते, पंजाब से मोहम्मद सादिक, तो वहीं जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला के साथ 3 और मुसलमान सांसद बने हैं। इनके अलावा NDA के पूरे देश में एक ही मुसलमान सांसद को जीत मिली। तो वहीं महमूद अली बिहार में JDU की टिकट पर जीते और एक सांसद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के टिकट पर नवाज कानिम तमिलनाडु से जीते हैं। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 4 बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2004 में 34, 2009 में 30 और 2014 में 23 मुस्लिम सांसद लोकसभा के लिए चुने गए थे। और बात करें तो भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा बार मुस्लिम सांसद बनने की, तो 1980 में सबसे ज्यादा 49 मुस्लिम सांसद लोकसभा गए थे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।